हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। तो गाइस, आप देख रहे हैं हम सुबह सुबह तैयार हो गए, क्योंकि टाइम हुआ है अभी सिर्फ 8 बजे हैं। तो रेडी हो चुकी है और ये भी रेडी हो गए। दोस्तों, हम लेके जा रहे हैं नवी को टीका लगाने, जो कि 9 मंथ का टीका भी उसको लगानी है। हालांकि उसने 10 भी कंप्लीट कर दी है, 11th में लग चुकी है। तो दोस्तों, देखते हैं आज नवी को टीका लगाते हैं कि नहीं। वैसे तो लग तो जाएगी, क्योंकि अब उसकी एलर्जी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। और बाहर जो है ठंड बहुत ही ज़्यादा है आज, आज के आप तो वैसे ही ठंड रहेगी। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। टीका लगाएं, चलो पहला टीका लगाते हैं। हाँ, लग चुके हैं। कल कह तो रहे थे, और उस टाइम जब दोबारा फोन किया तो उस टाइम नहीं बताया ना। अरे वो इन बनमोल की हुआ ना। हाँ, उनके लिए बोला होगा उन्होंने। Thank you.
तो दोस्तों नबी को जो है टीका लग चुका है, अभी हम रुके हैं क्योंकि डॉक्टर ने अभी आधा घंटा रुकने के लिए कहा है, तो अभी हम आधे घंटे के बाद जाएंगे। अच्छा नहीं, इसके बाद अब लगेगा नबू को, जब नबी 1.5 साल की हो जाएगी तब लगेगा टीका। बेचारे को 2 इंजेक्शन लगे हैं, एक हाथ पे, एक पैर पे और एक पीने वाला। रो रही है? नहीं, हेलो दोस्तों, नबी रो रही है ना, रोते नहीं बाबू। दोस्तों फाइनली हमारा सारा काम हो चुका है और अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच, और लंच में बना रही हूँ मैं दाल चावल। और नबी बिल्कुल ठीक है, अभी सोई थी पहले और अभी खेल रही है। हम मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।